हम बात करेंगे हमारा 9th मेन टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं एक और एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो क्रिएट करती है इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 और C4 प्लांट्स, इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन को हमें लिटिल बिट जो है नो अबाउट लिटिल बिट अबाउट द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन पाथवे कि फर्स्ट पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फर्स्ट स्टेप है और इस रिएक्शन में RUBP जो है कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और क्या बनाता है, दो मॉलिक्यूल्स बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के और जो कैटालाइज होता है बाय रुबिस्को। RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाय कैटालाइज बाय एंजाइम रुबिस्को और क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। रुबिस्को जो है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड और इसके अंदर कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट कि इट्स एक्टिव साइट कैन बाइंड बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ओके, और रुबिस्को जो है इसके अंदर मच ग्रेटर इफ एफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड से फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैन फॉर ऑक्सीजन। और ये इन C3 प्लांट्स में क्या होता है, सम ऑक्सीजन डस बाइंड टू रुबिस्को एंड हिज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। हेयर क्या होता है, RUBP जो है राइबुलोज बायफॉस्फेट जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देता है, 1 मॉलिक्यूल बना लेता है फॉस्फोग्लिसरेट का और फॉस्फोग्लाइकोलेट का। इन इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे क्या होता है, ना तो यहाँ पे सिंथेसिस होता है शुगर का और ना ही ATP का, रेदर इट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। इन फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है, ना तो सिंथेसिस होता है ATP का और NADPH का, देयरफॉर फोटो रेस्पिरेशन जो है एक वेस्टफुल प्रोसेस है। C4 प्लांट्स में क्या होता है कि फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, दिस इज बिकॉज क्योंकि मैकेनिज्म जो है इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एट द एंजाइम साइट और ये टेक प्लेस लेता है व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल जो है ब्रोकन होता है द इंट्रोसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन टर्न क्या होता है, ये इंश्योर करता है कि रुबिस्को जो है फंक्शन एज करे एज ए कार्बोजाइलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। नाउ दैट यू नो दैट कि C4 प्लांट्स जो है उसमें फोटो रेस्पिरेशन की कमी होती है नहीं होती, यू प्रॉबली कैन अंडरस्टैंड वाई प्रोडक्टिविटी एंड जील्स आर बैटर इन दिस प्लांट्स। इन एडिशन दिस प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हायर टेम्परेचर, है ना, ये सारा आपने पढ़ लिया है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गई फोटो रेस्पिरेशन क्या है। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 10th मेन और लास्ट टॉपिक की बात करेंगे इस चैप्टर के।